उसे पंगा मत लेना, आप उससे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। सत्ता के लिए अगर आपका साथी बागी हो जाए तो वो दर्द तो सालता ही रहेगा, रह रहकर उसकी टीस तो उठेगी ही, कसक तो होगी कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। लंबे वक्त तक दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं, लंबे समय तक सत्ता में साझेदारी की, 2019 का विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ा, लेकिन बात जब कुर्सी की आई तो शिवसेना ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस बात को करीब एक साल बीत चुका है, लेकिन बीजेपी के अंदर उसकी टीस रह रहकर उठती ही रहती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले एक साल में बीजेपी ने शिवसेना पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा है, और इन हमलों के लिए बीजेपी का जरिया बने हैं शिवसेना के संजय राउत, जो अपनी बातों से बीजेपी से पंगा लेते ही रहते हैं। कंगना वाला उदाहरण ही देख लीजिए, बात कंगना और बीएमसी की थी, लेकिन इसके बीच में संजय राउत भी आए और बीजेपी भी, और फिर जो हुआ सबने देखा। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा तो सामना के संपादक संजय राउत ने अखबार के पहले पन्ने पर हेडिंग लगा दी, उखाड़ दिया। ये लड़ाई सीधी बीजेपी बनाम शिवसेना हो गई। ऐसे कई मौके आए हैं जब संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया है और बीजेपी ने उसका जवाब संजय राउत के बहाने पूरी शिवसेना को दिया है। संजय राउत बीजेपी को पॉकेट मार तक कह चुके हैं। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहाँ पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। बीजेपी भी उन्हें जवाब देती आई है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनको लेकर जो कहा था उसे सबको सुनना चाहिए। एक गोष्ट अशी आहे की संजय राऊतांमध्ये खूप प्रतिभा आहे, त्यांना अनेक शेर पाठ आहे, त्यांना अनेक गाणे पाठ आहेत, त्यामुळे त्यांना जेव्हा दुसरं काम नसतं त्यावेळेस एखादा शेर ट्विट करतात, एखादं गाणं ट्विट करतात। साफ आहे की दोनों के बीच का रिश्ता तलखी का है, और अब जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन किया है तो इसे भी सीधे तौर पर शिवसेना पर ही हमला माना जा रहा है। ईडी को वर्षा राउत से 55 लाख रुपए का जवाब लेना है, इसको लेकर ईडी ने समन जारी किया है, और अब संजय राउत ने फिर से ईडी के इस आरोप पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 साल पुरानी एक केस को निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है, तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें। अब जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता संजय राउत पर निशाना साध रहे हैं, और जैसे संजय राउत उन आरोपों के खिलाफ और तल्ख होकर जवाब दे रहे हैं, उससे साफ है कि ये लड़ाई ईडी बनाम संजय राउत की नहीं, बल्कि ये लड़ाई बीजेपी बनाम शिवसेना की है, और इसमें संजय राउत सिर्फ एक जरिया भर हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।